श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे उन 10 देशों के बारे में जहां पर वैलेंटाइन डे मनाई जाती है, पर वो कैसे मनाई जाती है वो हम आपको बताने वाले हैं। और वो टॉप 10 कंट्रीज हैं जो मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम जापान से शुरू करते हैं। जापान में वैलेंटाइन डे सिर्फ पुरुष मनाते हैं। इस दिन महिलाएं अपने पिता, भाई, पति, दोस्त और प्रेमी को आभार प्रकट करने के लिए चॉकलेट्स देती हैं। फिर इंग्लैंड, वैलेंटाइन डे के मौके पर इंग्लैंड में महिलाएं अपने तकिए पर 5 बे लीफ या तेज पत्ते रखती हैं। ऐसा इसलिए ताकि जिससे उसका होने वाला पति हो वो सपने में आए। फिर है ब्राजील। ब्राजील में फूल, चॉकलेट्स, कार्ड और तोहफे के साथ वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। यहाँ 12 जून को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। यहाँ के लोग इस दिन को सेंट एंथोनी डे के रूप में मनाते हैं और इस दिन कुंवारी लड़कियाँ मनचाहा पति पाने का अनुष्ठान करती हैं। फिर है दक्षिण अफ्रीका। वैलेंटाइन डे के दिन महिलाएं अपने प्रेमी का नाम अपनी आस्तीन पर टांक लेती हैं। इस दिन प्रेमी जोड़े दिल को बाजुओं में बांधते। उसके बाद है वेल्स। यहाँ के लोग 25 जनवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं। ऐसे मौके पर एक दूसरे को लकड़ी के चम्मच तोहफे में देते हैं और इन्हें लव स्पून्स कहते हैं। खास बात यह होती है कि चम्मच के डिज़ाइन में कोई ना कोई संदेश छिपा होता है। फिर है फिलीपींस। फिलीपींस में भी वैलेंटाइन डे बाकी देशों की तरह ही मनाया जाता है और यहाँ हज़ारों जोड़े इसी दिन को अपना वैलेंटाइन डे मनाने लगे हैं। यहाँ इस दिन लोग मॉल या दूसरे सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित होकर सामूहिक विवाह करते हैं। फिर दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में हर महीने की 14 तारीख को प्यार के दिन के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। वैलेंटाइन डे के मौके पर महिलाएं पुरुषों को चॉकलेट्स और तोहफे देती है और अगले महीने 14 मार्च यानी व्हाइट डे पर पुरुष महिलाओं को रिटर्न गिफ्ट देते हैं। उसके बाद है डेनमार्क। 1990 में डेनमार्क में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। 1990 से लगातार मना रहे, मतलब ज़्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ 25-26 साल हुए हैं। वैलेंटाइन डे पर यहाँ पुरुष महिलाओं को एनोनिमस कार्ड भेजते हैं जिसे जोकिंग लेटर कहा जाता है, जिसे महिलाओं को उनके नाम का अंदाज़ा लगाना होता है। जो महिला भेजने वाले का नाम पहचान जाती है उसे बाद में ईस्टर एग दिया जाता है। फिर है फ्रांस। फ्रांस को दुनिया का सबसे रोमांटिक जगह माना जाता है। यहाँ वैलेंटाइन डे पर एक परंपरा है जिसमें लड़के लड़की का जोड़ा बनाया जाता है। अगर पुरुष को महिला पसंद नहीं तो उसे छोड़कर दूसरी महिला को पसंद कर सकता है और जिस महिला को उसका साथी नहीं मिलता वो बॉनफायर पर उन पुरुषों के फोटो को जलाती है। उसके बाद है इटली। इटली में वैलेंटाइन डे स्प्रिंग फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर लोग बगीचे में इकट्ठा होते हैं और संगीत का आनंद उठाते हैं। कुंवारी लड़कियां सुबह ही उठ जाती है। यहाँ परंपरा है कि सुबह सुबह जो पुरुष महिला को दिखा संभवतः वही महिला का होने वाला पति होगा। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।